बिना चाशनी वाले मीठे वाले शकरपारे हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में, वो भी हलवाई स्टाइल में, जैसे हलवाई की दुकानों पे बनाया जाता है ना, वैसे ही हम इस वीडियो में बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे इसे बना सकते हो और बहुत ही परफेक्ट खस्ता, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा खस्ता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है सोनी के चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा ले, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीठे और खस्ता शक्कर पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए होता है। तो मैदा आप यहाँ पे जितना चाहो उतना ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मेजर करके आप सभी को ये रेसिपी बताया है। तो ये 200 ग्राम मैदा है, एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट 200 ग्राम हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सौंफ डाला है इसके अंदर, छोटी इलायची का पाउडर डालना है थोड़ा सा, और इसके अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें डालनी है, लेकिन थोड़ा सा एक चुटकी अगर आप नमक डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नमक से क्या होता है ना कि खाने का मज़ा डबल हो जाता है। अब हमें इसमें चीनी डालना है, वो भी आधा कप मैंने डाला। 30 से 40 ग्राम के करीब आप चीनी इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 50 से 60 ग्राम भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे 40 ग्राम हमें खस्ता करने के लिए घी डालना है, और इतना ही हम पानी भी डालेंगे इसमें। ये देखिए, तो पानी और घी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी थोड़ा बहुत और बाद में अगर ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हो, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत है पानी की तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। और एक डो रेडी कर लेना है, जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, ये देखिए टाइट भी ना हो। तो ये इस तरह का डो मैंने रेडी करके बिल्कुल इस तरीके से रेडी कर लिया है, और इसे थोड़ी देर के लिए हमें गीले कपड़े से कवर करके या फिर किसी लिफाफे में डाल के रख देना है, और उसके बाद हमें 10 मिनट के बाद बनाना है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम बेलेंगे और बिल्कुल परफेक्ट छोटे छोटे पीसेस में शक्कर पारे वाले हम कट कर लेंगे। जो भी पीसेस या जो भी साइज़ आपको पसंद हो वैसे आप इसे बना सकते हो। मैंने इसे बस बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, जैसे नॉर्मली मार्केट में बनाया जाता है ना, उससे थोड़ा सा तो छोटा ही रखा है मैंने साइज़ में। लेकिन आप छोटा बड़ा या जो भी शेप आपको पसंद हो आप वैसे इसे कट कर सकते हो। ये देखिए मैंने इस हिसाब से रखा है, और आप इससे बड़े भी कट कर सकते हो, या फिर जैसे आप लंबे लंबे वाले शेप के जो बनाते हैं ना, आप वैसे भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीसेज में छोटे छोटे कट किए, ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत आसानी से ये कट हो जाते हैं, और बहुत आसानी से आप इसे फ्राई भी कर लेंगे। तो फ्राई कैसे करना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत परफेक्टली इसको खस्ता करना होता है, तो खस्ता कैसे करना है वो मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में, आगे देखते रहिए। तो ये जो साइड वाले बचे हुए हैं ना वो मैंने निकाल दिया है, उसको हम दोबारा से बेल लेंगे। और ये जो हमारे पीसेज हैं ये बिल्कुल रेडी हैं, इस तरह का थिकनेस है, आप यहाँ पर देख सकते हो इतना ही रखा है, और ये फूल के डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने इतना थिक रखा हुआ है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमें एक पीस सबसे पहले डाल के चेक करना है कि ऑयल कितना गर्म है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े बबल्स आने चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा, मतलब एक पीस को जब आप देखें कि थोड़ी देर में ये फूल गया, बिल्कुल परफेक्ट खस्ता हो रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल सही है। इसमें हमने कोई भी सोडा, कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डाला है, ओनली घी और चीनी से ही ये खस्ता हो रहा है। तो आप चाहो तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो थोड़ा बहुत, अगर खस्ता आप और भी ज़्यादा करना चाहते हो तो। अब हमें क्या करना है, इसका जो कढ़ाई है ना इसको इस तरह से पकड़ के हिलाना है, लेकिन जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे होना चाहिए, नहीं तो नीचे जो जाके बैठ जाते हैं ना शक्कर पारे वो चिपक के और जल सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कढ़ाई को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहना है। और ये जो पहले हमने ट्राई किया था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब जैसे जैसे ये ऑयल के ऊपर आ जाए, सारे फ्लोट करने लग जाए, ऐसे तैरने लग जाए शक्कर पारे, बिल्कुल ये फूल के ऊपर आएंगे और बिल्कुल खस्ता होके ऊपर आएंगे। तो अगर ये खस्ता होके बिल्कुल ऐसे ऊपर आ चुके हैं तो आप गैस के फ्लेम को एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कर दें, उसके बाद लो फ्लेम पे 5 मिनट तक जब पकाएंगे तो ऐसा जो कलर जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको फ्राई करना है। उसके बाद हमें 5 से 7 मिनट के बाद इसे निकाल लेना है, लेकिन जब आप निकाल रहे हो उसको तो गैस का फ्लेम हाई पे रखना, क्योंकि ऑयल बहुत कम भरेगा उसमें, मतलब ऑयल इसके अंदर ऑयली बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने इसे निकाल लिया है और ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन गर्म है भी बहुत ज़्यादा, तो मैं ठंडे होने के बाद आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ये खस्ता कितना है वो आप इसमें आप देख ही सकते हो। मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाऊँगा इसको, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। और इसे मैं ऐसे अपने फिंगर में दबा रहा हूँ ज़ोर से, तो ये बिल्कुल पाउडर बन जा रहा है, ये देखिए। तो बिल्कुल परफेक्ट अंदर तक ये बिल्कुल पका हुआ है, अंदर तक बिल्कुल वैसे के
वैसा ही खस्ता है जैसे आपको बाहर से दिख रहा होगा, ये देखिए। तो बहुत आसानी से आप घर पे इसे बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।